नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुमित चौरान और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हिजाब के ऊपर। किन देशों में हिजाब बैन है और वो कौन से देश हैं जिनमें मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा होने के कारण भी वहां पे हिजाब बैन है, वो सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं वो दो देश जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है परंतु वहाँ पे हिजाब बैन है। नंबर एक पे आता है अपना सीरिया में मुस्लिम आबादी की तादाद करीब 70% है। वहीं इजिप्ट जो है दोस्तों उसमें मुस्लिम आबादी है करीब 90%। उसके बाद भी यहाँ की सरकारों ने विश्वविद्यालयों में 2010 और 2015 से पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। और अगर वर्तमान में हम बात करें पूरे वर्ल्ड में मतलब हिजाब कहाँ कहाँ बैन है, तो स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बुल्गेरिया, इटली, फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में जो है दोस्तों हिजाब और चेहरा ढकना वर्जित है। स्विट्ज़रलैंड में हिजाब बैन का कोई धार्मिक कारण नहीं है दोस्तों, बल्कि यहाँ की सरकार ने महिलाओं को आज़ादी से जीने का अधिकार देते हुए इस पर पाबंदी लगाई है। तो ये कुछ देश थे दोस्तों जहाँ पे हिजाब बैन है। अब इंडिया में भी ये मुद्दा जो है अभी रिसेंटली कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है। एक कॉलेज में एक लड़की जाती है, वहाँ पे स्कूटी पे जब वो उतरती है तो कुछ लड़के उसके खिलाफ नारे लगाते हैं, फिर वो लड़की भी नारे लगाती है। तो क्या ये सही है या गलत है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।